संसद के मानसून सत्र के खत्म होने के बाद दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन भवन में टी पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम पार्टियों के नेता शामिल हुए। ये एक अनौपचारिक बैठक थी। इसमें सत्ता और विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। 22 जुलाई से लोकसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ था। ये सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला था, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को ही स्पीकर ओम बिरला ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। टी पार्टी में जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन नमस्ते कहकर किया। इसके बाद दोनों ही कैमरे की तरफ देखकर हंस दिए। सोफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, जबकि उनके बगल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला थे। अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो प्रधानमंत्री के दाईं ओर एक कुर्सी पर बैठे थे। इस मीटिंग में विपक्ष के सामने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे थे, जबकि राहुल गांधी की लाइन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और पीयूष गोयल समेत विपक्ष के सांसद सुदीप वधोपाध्याय और कनी मोझी बैठे थे। स्पीकर ओम बिरला ने सभी चाय पर आए सांसदों का आभार जताते हुए कहा कि इस सत्र में 15 बैठकें हुई और सदन की प्रोडक्टिविटी 136 घंटे रही। इस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच अच्छी बातचीत हुई। राहुल गांधी ने इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। उन्होंने रक्षा मंत्री से यूक्रेन युद्ध और गाजा को लेकर भी सवाल किए, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इस पर अपनी नजर बनाए हुए है।